नमस्कार, मैं हूं सोनाली। आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। मवेशी तस्करी कांड में गिरफ्तार अनुव्रत मंडल और उनके परिवार के बैंक अकाउंट से मिले लगभग 17 करोड़ का फिक्स्ड डिपॉजिट। बुधवार को सीबीआई की टीम ने बोलपुर स्थित बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जाकर अनुव्रत मंडल एवं उनके परिवार की सबके बैंक अकाउंट को किया सीज। मवेशी तस्करी कांड में गिरफ्तार अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल के खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट में मामला दायर। सूत्रों का कहना है कि अनुव्रत मंडल की बेटी, भाई, भाईपो, पीए समेत 6 लोगों को बिना टेट एग्जाम पास किए ही मिल गई है स्कूल में शिक्षक की नौकरी। अनुव्रत मंडल की बेटी बोलपुर स्थित कालिकापुर प्राथमिक विद्यालय में बन गई शिक्षक। बिना स्कूल गए ही मिलते थे वेतन। अटेंडेंस रजिस्टर पहुंच जाता था अनुव्रत मंडल का घर। सुकन्या मंडल को टेट पास की सर्टिफिकेट के साथ बृहस्पतिवार 3 बजे तक कोलकाता हाई कोर्ट में होना पड़ेगा हाजिर। मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार बीरभूम जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल से पूछताछ करने उनके बोलपुर के घर पहुंची सीबीआई की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल कुछ भी कहने से साफ इनकार किया। 12 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर रैली का नेतृत्व कर रहे पश्चिम बंगाल के विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी को रोका गया। तिरंगा रैली रोकने की घटना से चुत विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता हाईकोर्ट में दायर करेंगे मामला। शुभेंदु अधिकारी की तिरंगा रैली को रोकने के मामले में राज्य पुलिस के डीजी मनोज मालव और पूर्व मिदनापुर जिला के पुलिस सुपर अमरनाथ के एवं पूर्व मिदनापुर जिला के अतिरिक्त पुलिस सुपर श्रद्धा पांडे के विरुद्ध कोलकाता हाईकोर्ट में मामला दायर। पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व बर्धमान जिले की मेमारी के रहने वाले स्कूल शिक्षक सुनील कुमार दास का शव फंदे से लटकता हुआ पाया गया। कोलकाता के एक सरकारी स्कूल में कार्यरत थे। 3 साल पहले रिटायर हुए थे, परंतु अभी तक उनको पेंशन नहीं मिल पाया। सूत्रों का कहना है कि इस बात से तनावग्रस्त होकर स्कूल शिक्षक ने आत्महत्या की। पश्चिम बंगाल राज्य में मवेशी तस्करी घोटाला, शिक्षक नियुक्ति घोटाला एवं कोयला तस्करी घोटाला मामले की जांच कर रही सीबीआई एवं ईडी की टीम बेहद तत्पर दिख रही है। जांच की प्रक्रिया को तेज करने के लिए बुधवार को कोलकाता के ईडी ऑफिस में एक उच्च स्तरीय बैठक की गई। इस बैठक में ईडी के स्पेशल डायरेक्टर ऑफिसर्स समेत दिल्ली के कई आला अधिकारी उपस्थित थे। देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस आवर मिशन। नमस्कार। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।